मुंबई इंडियंस की जीत के हैट्रिक के सामने महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 के 29th मैच था आईपीएल के एल क्लासिको मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत कर आमने सामने भिड़े थे। जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस जीत की हैट्रिक लगाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2024 में घर के बाहर जीतने की सोच के साथ उतरी थी। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या बॉलिंग चुने थे। पहले बैटिंग करने के लिए उतरने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत दमदार हुई थी। भले ही अजिंक्य रहाणे जरल कोर्जी के जल्दी शिखर बने, लेकिन रचिन रविंद्र अच्छे फॉर्म में थे। फिर रचिन रविंद्र के आउट हो जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड और शिवम दुबे के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी। शिवम दुबे 38 बॉल पर 66 रन बनाए और ऋतुराज गायकवाड 40 बॉल पर 69 रन बनाए। और अंत में एमएस धोनी शो देखने को भी मिला, जब एमएस धोनी हार्दिक पांड्या को लगातार 3 बॉल पर 3 छक्के लगाए और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 207 रन का टारगेट रखा था। चेस करने के लिए उतरने के बाद मुंबई इंडियंस की भी शुरुआत दमदार हुई थी। दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और ईशान किशन अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन मुंबई के पिच में मतीशा पथिराना का सोच कुछ अलग था। पथिराना ने एक ही ओवर में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को आउट करके मुंबई इंडियंस को मुसीबत में डाल दिया था। फिर रोहित शर्मा और तिलक वर्मा के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी, लेकिन पथिराना ने तिलक वर्मा को भी 31 रन पर आउट किए और 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट चटकाए। मुंबई के राजा रोहित शर्मा अपने तूफानी बल्लेबाजी से सेंचुरी तो लगाए, लेकिन किसी भी प्लेयर के साथ न मिलने पर मैच को नहीं जिता पाए। और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रन से यह मैच जीत लिया और पथिराना बने मैन ऑफ द मैच। क्या आप एमएस धोनी की बैटिंग लाइव देखे थे? मुझे कमेंट में जरूर बताना।